He said, one day you leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. गुड मॉर्निंग, तो कैसे हैं आप लोग? सोचता हूँ आज पितामहल डैम चला जाए, बहुत ही अच्छी जगह है, काफी खूबसूरत लैंडस्केप है, बैकवाटर से तो राउरकेला से 20 किलोमीटर दूर है, तो चलिए चलते हैं। She woke up in the morning. The sunrise in her eyes, but all that she sees is darkness. And she won't tell you why. No more butterflies, 'cause they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining. And she keeps on praying. मेरे पीछे आप पितामहल डैम देख सकते हैं, जो पितामहल नदी पर बनी है, जो शंख नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। शंख नदी आगे जाके पानपोश पे ब्राह्मणी नदी पे मिलती है। ये डैम की लेंथ करीबन 660 मीटर है और इसकी हाइट 25 मीटर है। बैकवाटर्स देखिए, बहुत ही सुंदर जगह है, शांत जगह है। और ये दूर पे जो आप पहाड़ और जंगल देख रहे हैं, ये बैमरा गैंगपुर फॉरेस्ट रेंज है, जो कि अप टिल चांदीपोश घाटी तक गई है। बहुत ही शांत जगह है। अगर गवर्नमेंट इधर बोटिंग की फैसिलिटी कुछ करती है तो अधिक टूरिस्ट आ सकते हैं। फिलहाल ये पूरा पीसफुल है। और ये जो रोड देख रहे हैं आगे गई है छोटे गांव के लिए, फिर आगे जाके बंद हो जाती है ये रोड। बैकवाटर्स भी इधर एंड होती है, तो हम लोग बैकवाटर्स एंड जहाँ होती है उस तरफ ही आए हैं। तो एक बार आप पूरा व्यू देखिए। तो गाइस, कैसा लगा आज का ब्लॉग? तो मैं ट्राई करता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ छोटा ब्लॉग बनाता हूँ और आपको दिखा सकूँ, ताकि आपसे कनेक्टेड रह सकूँ। तो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।